कि जो राज्य में आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसानी से हो, उनको किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, उस काम को हम लोग करते हैं। इसी प्रकार से मैं कांवड़ यात्रा की बात करूं तो कांवड़ यात्रा में इस बार हमारे यहां 4,15,00,000 लोग, बड़ी संख्या, यानी कि पिछले वर्ष 3,75,00,000 थी और इस वर्ष वो 4 करोड़ को पार कर गई। 4 करोड़ शिव भक्त मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं और एक भी कोई विवाद की स्थिति नहीं हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न हुई है। और पर्यटन के क्षेत्र में मैं बात करूं तो पूरे साल भर इस बार हमारा अप्रैल माह से लेकर जुलाई तक लगातार सारे होटल पूरी तरह से ऑक्युपाइड थे, 100% ऑक्युपेंसी रही है। कभी तो ये स्थिति होती थी कि हम लोगों को होटल बुकिंग के लिए भी तमाम जगह से रिक्वेस्ट आती थी, तमाम जगह से लोगों के कॉल्स आते थे कि होटल नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं हो पा रही है। सड़कें इतनी भरी हुई कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी या नैनीताल, रामनगर, मुक्तेश्वर, ऐसे क्षेत्रों में लगातार आवागमन थोड़ा कठिन भी हुआ। उस दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए हम अगले आने वाले 25 सालों का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश का अमृत काल, जिसको हम लोग सब लोग कह सकते हैं कर्तव्य काल और योजन काल, कि अगले 25 सालों की प्लानिंग, उसकी दृष्टि से भी हम उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं कि अच्छी सड़कें हों, अच्छा हमारा पार्किंग की व्यवस्था हो, अच्छे होटल हों, अच्छे आने जाने की व्यवस्था हो, हर प्रकार से अच्छा पेयजल हो, अच्छी पावर की व्यवस्था हो, उन सभी पर एक बड़ी योजना के प्लानिंग के तहत हम काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि दिल्ली वासियों को सबको पता है, आने वाले समय में बहुत जल्दी जो हमारा एलिवेटेड सड़क का काम चल रहा है दिल्ली से देहरादून का, उस सड़क के कंप्लीट होते ही दिल्ली से देहरादून की दूरी बहुत कम होने वाली है। हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट जो सिटकुल एरिया में है, रुद्रपुर में, वह हमने जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 800 एकड़ जमीन हमने, राज्य सरकार ने उसको ट्रांसफर भी कर दी है। आने वाले समय में जल्दी ही एक आवागमन का अच्छा केंद्र, जैसे देहरादून का आज एयरपोर्ट हमारा दिन भर में लगभग 40 के आसपास 40 उड़ानें देश के विभिन्न विभिन्न शहरों के लिए देहरादून से हो रही है। चार धाम ऑल वेदर रोडें बन गई हैं और पहले जो लोग गए होंगे और अब जब जा रहे हैं तो एक नया अनुभव लेकर आ रहे हैं। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।